परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा ये देश, महान देश, जाना ही जाता है ये त्योहारों के लिए और खुशियां मनाने के लिए। जैसा मैडम ने कहा, हर त्योहार, चाहे वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हर तहसील में, हर गांव में, हर धर्म, जात, प्रांत, हर जगह कोई भी त्योहार मनाता हो तो उस त्योहार के पीछे एक शास्त्रीय कारण है। जैसा मैडम ने कहा कि कई सारे कारण है, लेकिन सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, नंबर वन जो कारण है वो है अर्थ कारण। सदियों से हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उसका आधार है कृषि, हमारी खेती बाड़ी। तो कई सारे त्योहार इस खेती बाड़ी से रिलेटेड, खेती का काम शुरू करो तो त्योहार है, खेती की पहली फसल काटो तो त्योहार है, नया मौसम जो बदलता है तो त्योहार है, ऋतु बदलते तो त्योहार है। मछुआरे ये वर्षा के बाद जब पहली बार जाते हैं ये मछुआरी करने के लिए, तब उनके लिए भी वो त्योहार है। तो हमारे सभी त्योहार इससे रिलेटेड है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है वह है स्वास्थ्य। जैसा मैडम ने कहा, मैडम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, थैंक यू वेरी मच। तो वैसे ही चाहे वो रमजान का महीना हो, श्रावण का महीना हो, या मास हो, या हफ्ते में हम लोग एक बार जो करते हैं उपवास, वो सभी इसीलिए है कि हम अपने तन अपने मन को शुद्ध करें। वैसे ही आज दीपावली है, तो कहा जाता है कि दीपावली के दिन श्री राम 14 बरस का वनवास करके आए थे और उनका स्वागत अयोध्या में दीप से हुआ था। लेकिन आज जब दीपावली की शुभकामनाएं हम लोग एक दूसरे को देते हैं तो क्या कहते हैं कि आपकी आर्थिक उन्नति हो, आपकी आर्थिक समृद्धि हो, और इसी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक करके हम ये माता लक्ष्मी जो है उसको उसकी फोटो लाते हैं, उसकी मूर्ति लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस ये दिन एक आर्थिक समृद्धि से सेलिब्रेट हो। और कैसे होगी आर्थिक समृद्धि, कैसे होती है आर्थिक समृद्धि, तो उसका एक ही मार्ग है और वह है व्यापार। इतने दिन, हजारों साल हमारा भारत देश पूरी दुनिया में नंबर वन देश था, महान राष्ट्र था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की 30% से भी ज्यादा व्यापार हम लोग करते थे। हम लोग पूरी तरह से सभी मामलों में, सभी चीजों में, सभी प्रोडक्ट्स में स्वयं पूर्ण थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जो हम लोग बाहर से मंगाने की जरूरत हो। हम सभी को, इनफैक्ट हम सभी को बहुत सारी चीजें देते थे। और बाहर से क्या लेते थे, तो सिर्फ सोना। यह बात सच है कि भारत को दुनिया की सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह बात सच है कि लोग बोलते थे कि भारत में डाल डाल पे सोने की चिड़िया रहती। ये सच, क्योंकि इतना सोना हमारे देश में था, क्योंकि इतना बड़ा व्यापार हम लोग करते थे। तो आज इस एमसीएल परिवार के माध्यम से यहां भी हम लोगों ने ऐसा संकल्प रखा है कि इसके आगे की हर दिवाली हम हमारे किसान भाइयों, हमारी पूरी फैमिली जो है, ये जो लोग हैं उनमें एक्चुअली आर्थिक समृद्धि करें और निरंतर करें। एक बार हमने उनको कुछ गिफ्ट दिया तो आर्थिक समृद्धि ऐसे नहीं, सस्टेनेबल करें, निरंतर करें, हमेशा उनके इस इनकम में बढ़ाई वृद्धि होती रहे। और इसीलिए हम लोगों ने एमसीएल के बिजनेस मॉडल तैयार किए हैं ना। और इस एमसीएल के बिजनेस मॉडल में क्या किया हम लोगों ने, वो प्रोडक्ट हम लोग तैयार करने वाले हैं जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तैयार करने का पोटेंशियल भारत के पास ही है। जो प्रोडक्ट हम लोग बोल रहे हैं वो प्रोडक्ट भारत के अलावा किसी भी दूसरे देश में इतने बड़े पैमाने पे नहीं होगा जितना हम लोग कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल हमारे पास है, कुदरत ने इतना सब कुछ दिया हमें, और इस प्रोडक्ट को हम लोग पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में। क्योंकि दुनिया के लिए ये प्रोडक्ट है ही नहीं, दुनिया के लिए ये दवाई है, दुनिया के लिए वो वैक्सीन है। जो जैसे कोरोना की वैक्सीन लोगों को कोरोना से बचाता है, वैसे हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसकी आज जरूरत पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया में आज ये जो ग्लोबल वार्मिंग बन चुका है, ये पूरी दुनिया के लिए, आई मीन
सबसे बड़ा खतरा है, पूरी दुनिया बर्बादी के कगार पे है और उसको बचाने का सॉल्यूशन, उसको बचाने का प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहे। दोस्तों पिछले हफ्ते G20 परिषद हुई, G20 यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देश, जिसमें अमेरिका थे, भारत था, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सभी लोग जो सबसे बड़े ताकतवर देश है वो थे। इस ये दो दिन की जो परिषद थी उसके पहले इसका एजेंडा भी था सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग। दो दिन जो भी बहस हुई, जो भी चर्चा हुई, जो भी अनाउंसमेंट्स हुए, जो भी भाषण हुए, वो भी थी सिर्फ और सिर्फ लेके इस ग्लोबल वार्मिंग को। लेकिन दो दिन के बाद कोई भी ठोस ऐसा सोल्यूशन लेके ये परिषद समाप्त नहीं हुई। पूरी दुनिया से आलोचना हुई कि आज जिस वॉर लाइक सिचुएशन है, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है ऐसे कंडीशन में हम लोग हैं, और आप कोई भी सोल्यूशन लेके बाहर नहीं आए, कोई भी सोल्यूशन आपने इस परिषद में निकाला नहीं, ऐसी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। दोस्तों एमसीएल में, एमसीएल के बिजनेस मॉडल में इस फर्स्ट फेज में हम पूरी दुनिया के लिए फर्स्ट फेज में प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाले, 150 प्रोजेक्ट, और वो भी उस स्केल के जो स्केल अभी तक इस इंडस्ट्री में किसी ने देखा नहीं। क्यों 150 प्रोजेक्ट, क्यों इतना करना चाहते हैं आप, क्या जरूरत है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरे करके ये सॉल्यूशन हमें दुनिया के सामने रखना है, इसीलिए इसीलिए ये 150 प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हमारा संकल्प था कि हम 100 प्रोजेक्ट्स करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने सब काम किया है, हम लोग अभी 150 प्रोजेक्ट्स करने वाले, और इस 150 प्रोजेक्ट्स में दिखा देंगे हम लोग कि रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस ये वो ईंधन है कि जिसका इस्तेमाल करके आप विकास भी कर सकते हैं और अपनी दुनिया भी बचा सकते हैं जितना आपको चाहिए। आज हमारे भारत में इतना पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया के लिए 15 से 20% इतना ईंधन का निर्माण कर हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ भारत को ईंधन में आत्मनिर्माण निर्भर कराने की बात नहीं, तो पूरी दुनिया में इस ऑयल एंड गैस में नंबर वन का देश हम लोग बन सकते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जो बीमारी है, सबसे बड़ा किलर है, वो है कैंसर, और कोई दवाई नहीं कैंसर के ऊपर। एक ही सोल्यूशन है कि जो आज केमिकल फार्मिंग हो रही है, ये कैंसर की फार्मिंग हो रही है, उसको 100% रिप्लेस करें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। लेकिन दुनिया के पास इतना फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं हो सकता। भारत में इतनी क्षमता है कि सिर्फ ये फर्टिलाइजर नहीं तो ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशनर पूरी दुनिया के लिए हम लोग बना सकते हैं और दे सकते हैं। इतना ही नहीं, जो प्रोडक्ट, जो फूड और फूड प्रोडक्ट हम लोग तैयार करेंगे वो पूरी दुनिया को दे सकते हैं, जिससे ये कैंसर को रोका जा सकता है। पेट्रोकेमिकल्स, इस पेट्रोकेमिकल्स की वजह से पूरी दुनिया में ये पर्यावरण का जो संतुलन है ये पूरी तरह से बिगड़ गया है। कोरोना इज द इफेक्ट ये पूरे ये संतुलन बिगड़ने का, और इस पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स को यानी रबर, प्लास्टिक और ये सब कुछ, इसको रिप्लेस करने वाले जो प्रोडक्ट्स है ना, भारत अपना देश अपनी संस्कृति सदियों से बनाती आ रही है। हम कुछ नया काम नहीं करना है, कुछ इन्वेंशन नहीं करना है, सिर्फ उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में करके लोगों को देना है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट्स इतनी बड़ी संख्या में जब करने हैं ना, तो कैसे किए जाते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैकडोनाल्ड दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज कंपनी, 33,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स पूरी दुनिया में इस मैकडोनाल्ड के। कैसे किए उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट, एक अपना होटल रेस्टोरेंट उसका शुरुआत की, और इतनी अच्छी तरह से उसको चलाया, इतनी अच्छी तरह से उसके ऊपर काम किया, उसमें पूरी तरह से वो एक्सपर्ट हो गए, और उसके बाद उन्होंने ये फ्रेंचाइजी बढ़ाई। डीमार्ट, डीमार्ट ने जब शुरुआत की तब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बिग बाजार, रिलायंस बाजार, ये सैकड़ों इनके आउटलेट्स थे, स्टोर्स थे। डीमार्ट ने वैसे नहीं किया, बावजूद इसके कि उनके पास काफी पैसे थे, उन्होंने पहले एक स्टोर लिया, 2 साल उसको अच्छी तरह से चलाया, सीखा सब कुछ कि कहां पैसे बचाए जा सकते हैं, कहां हम लोग काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, कैसे मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जब उनके सिर्फ 25 स्टोर थे
उनका मुनाफा ये हजार हजार स्टोर से भी कंपनी से ज्यादा है। एमसीएल में ये जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, कई सालों से इसके ऊपर काम किया है हमने। तब भारत में पहली बार ये पाइप नेचुरल गैस करके एलपीजी को रिप्लेस किया है, तब किया है जब ये मुंबई में भी नहीं था, मुंबई में भी कहीं नहीं ये ऐसा एलपीजी जो अभी आज वो पाइप नेचुरल गैस आ रहा है, वो कुछ नहीं था। तब जाके हम लोग, तब हमने किया ये सब कुछ। दुनिया का सबसे पहला अलगे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग ने हाथ से लगाया। तो इतना पूरा करने के बाद अभी हम लोग ये फर्स्ट फेज के प्रोसेस करने वाले हैं, कर रहे हैं। लेकिन 150 क्यों? बहुत सारे लोगों ने आपको पूछा होगा। आप किसी भी देश, आई मीन कोई भी कंपनी हो, चाहे वो मैकडोनाल्ड हो, डीमार्ट हो, या बाकी कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर में आप चले जाइए, कोई भी कंपनी आपको नहीं दिखेगी ऐसी कि जो एक फैक्ट्री शुरुआत करती है और उसके बाद इमीडिएटली 150 प्रोजेक्ट्स, 150 फैक्ट्रीज की शुरुआत करती है। हम लोग किसी वेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम दुकान की बात नहीं कर रहे हैं कि जो सिर्फ आउटलेट्स तैयार करने, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं। कौन करता है एक फैक्ट्री शुरू होने के बाद 150 फैक्ट्री है? एक फैक्ट्री शुरू करने के बाद 5 करते हैं, 10 करते हैं, इस तरह से लोग काम करते हैं, हर कंपनी काम करती है। हर कंपनी का अगर आपने देखा तो ऐसा ही रोड मैप है, कहीं पूरी हिस्ट्री में ऐसा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी ऊंची इमारत हमें तैयार करनी है, फाउंडेशन का भी उतना ही काम ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपके यहां जो प्रोजेक्ट लगेगा वो एक प्रोजेक्ट नहीं है। आपके तहसील में जिस प्रोजेक्ट के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, कम से कम 20 प्रोजेक्ट वहां लगाने हैं। कई तालुके तो है, कई तहसील तो ऐसे है कि जहां 20 नहीं, उससे कई ज्यादा प्रोजेक्ट लगेंगे। और आपको क्या लगता है, आपके यहां 10,000 आज वहां फार्मर्स है, किसान है, वो 10,000 किसान पूरी तरह से तैयार, एक बार उन्होंने आपका प्रोजेक्ट देख लिया तो वो रेडी है? आपको क्या लगता है कि आप एक प्रोजेक्ट लगाओगे, 2-3 साल उसको प्रोजेक्ट देखोगे, उसको चलाओगे, बाद में दूसरा प्रोजेक्ट लगेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी कि जिससे ये प्रोजेक्ट्स इमीडिएटली हमको फास्ट लगाने होंगे, क्योंकि लोग वहां वेट कर रहे हैं। तो एक बार ये शुरुआत करने के बाद हमें किसी भी समय पे, आई मीन किसी भी स्टेप पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अभी जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं उस सेक्टर में आने वाले दिनों में, जिस ऑफकोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है और उस पे कॉम्पिटिशन नहीं होता, ये वो सेक्टर है कि जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं होता, इसमें होता है युद्ध, दुनिया का विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ सिर्फ तेल के लिए। जो चीज हम लोग करना चाहते हैं, जिस सेक्टर में हम लोग जा रहे हैं, वो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, एनर्जी का सेक्टर है, दुनिया में नंबर 1 सबसे बड़ा, यानी एक देश में अगर कितनी भी बड़ी कंपनी हो ऑयल एंड गैस की, वो दूसरे देश में जाके काम नहीं कर सकती। इतना स्ट्रांग नेटवर्क हर देश में अपने अपने ऑयल एंड गैस का होता है, इतना स्ट्रांग ये सेक्टर है। तो हम जब ये काम करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते, ऐसे टेक्निकल कुछ भी रख नहीं सकते कि जिसकी वजह से हमारी कंपनियां, आपकी सभी जो यूनिट्स है वो आगे जाके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग क्या करेंगे वो आपको पता नहीं शायद। तो हम जो भी काम करना चाहते, इतनी स्ट्रांगली करना चाहते कि एक बार हमारी शुरुआत फैक्ट्री से हुई तो वो जब तक हम लोग अपने तहसील का पोटेंशियल पूरा नहीं करते तब तक ये काम चालू रहे। और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि लोगों को दिखाने के लिए, वो तहसील में चलो फैक्ट्री का काम शुरू हुआ, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लोगों को भी लग रहा है अरे वाह वाह कुछ तो चल रहा है, जैसे उन्होंने कहा वैसे वो काम कर रहा है, इससे क्या फायदा? हम वही काम करेंगे जो हमारे विजन और मिशन को पकड़ के, इसलिए ये प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, उसका क्या सही सॉल्यूशन है वो हम लोग बताएं। वो चाहे ऑयल एंड गैस हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, इसलिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम लोग। पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं हम लोग, इतना पोटेंशियल।
मिठाई ज्यादा खाने की वजह से ऐसी खांसी आ सकती है आप। तो ज्यादा भी घी खाने के बाद ऐसा हो सकता है, अपना ख्याल रखिए। तो ये जो बिजनेस का मॉडल जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें पूरे देश का नेतृत्व करने का हमारे पास पोटेंशियल है, और वही हम लोग करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में कोई कितना भी हमें तकलीफ देने की कोशिश करे, चैलेंज लाने की कोशिश करे, तो भी हम अपना काम करते रहे, कहीं फंसे ना टेक्निकल चीजों में, हमारी नींद ना हरम हो, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे। ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, ये 150 प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार है, चाहे वो 100% फंडिंग हो, चाहे वो 100% टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो 100% मार्केटिंग की योग्यता की कैसे इसको बेचेंगे, ये पूरी चीजों के साथ हम लोग तैयार है। और ये टाइम, ये जो काम हम लोग शुरू करेंगे, ये काम समय पे पूरा होगा, और ये हमको दिखाना है, करना है। सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं, तो पूरी दुनिया के लिए करना है, अपने किसानों के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है, जिनके लिए तो शुरुआत की, जो संकल्प हमने डे 1 पे एमसील के लिए रखा है, उसके लिए तो करना है। हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसे बिजनेसेस तैयार करें कि जिस बिजनेस की वजह से हर फैमिली में एक अच्छी इनकम आए, एक ऐसा इनकम कि जिसमें जो पोटेंशियल हमारे गांव का वो हम लोग यूटिलाइज करें। कोई भी एक छोटा सा गुंठा, 1 एकड़, कोई भी जमीन ऐसी ना बचे जहां हम लोग कुछ ना कुछ उत्पादन नहीं कर रहे। कोई भी घर ऐसा ना हो, चाहे उसके घर में कोई भी नया जमीन हो, सभी मजदूर हो, कुछ भी नहीं हो, फिर भी हम लोग उसे ऐसा बिजनेस का अवसर दे कि उसका इनकम बढ़े। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सिर्फ दिवाली ही नहीं, हर दिवाली, हर ईद, हर बैसाखी, हर क्रिसमस और हर त्योहार जो हमारे लोग हमारे गांव गांव में करते, वो सभी त्योहार बहुत जान से, बहुत शानदार तरीके से इसको सेलिब्रेट करें। और यही संकल्प करके आने वाले दिनों में आप देखोगे कितना बड़ा रेवोल्यूशन इस एमसीएल के माध्यम से हम लोगों के साथ, लोगों की इस आर्थिक प्रगति में करने वाले हैं। फिर से एक बार आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्याम सर एंड गुड मॉर्निंग एमसीएल। यस, सारे भारत वर्ष में फैले हुए एमसीएल परिवार को इस दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्राची मैडम ने बता दिया हमें दीपावली की साइंटिफिक भूमिका क्या है, दीपावली का हमारे लाइफ में स्थान क्या है, और आज श्याम सर ने बता दिया हमें कि कैसे एक प्रोजेक्ट के बाद एक कंपनी, एक महाकाय इकोनॉमी जो आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के एग्री सेक्टर को बदल देगा, वो करने के लिए क्या करना पड़ता है। यस, शायद भारत के इतिहास में 2021 की जो दीपावली है वो बहुत क्रांतिकारी दीपावली है, ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। और आने वाले समय में, रादर आने वाली दिवाली से लेकर ही हर साल इस देश में, इस भारतवर्ष में जो दिवाली होगी वो हर घर में, हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में एमसीएल वाली दीपावली होगी, इस बात का मुझे फक्र है और ये होके रहेगा। थैंक यू वेरी मच ऑल द एमसीएल फैमिली मेंबर्स, ऑल आवर चैनल पार्टनर्स, ऑल आवर एमबीपी ओनर्स, ऑल आवर एमपी ओनर्स, आवर एमबीएस, अवर बीडीएस, अवर सीनियर बीडीएस, अवर प्राइम बीडीएस, आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। इस दिवाली के मौके पे आप सबके घर में खुशियां आए, और एक बहुत बड़ी खुशी इसी दिवाली पे एमसी की तरफ से आएगी, और हम सब एक अलग